अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको खूबसूरत सा शेरवानी गला पट्टी वाला मर्दाना पट्टी लगाना सिखाएंगे, आपको शेरवानी काटना सिखाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, यही वाला गला आज आपको हम पूरा मालूमात देंगे। बुकरम कितनी लग देगी, कैसे शेरवानी कटेगी। यहाँ से जी आपने ये पट्टी को रख लेना है 1 इंच पे, ये ऐसे आपने निशान लगा लेना है इस तरीके से, ये ऐसे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से, स्केल हो तो स्केल से, नहीं तो ऐसे भी आप निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। अब आपने बटन टेक, आपने इस हिसाब से ये बटन टेक का भी आप निशान ऐसे लगा लें। अब इसका आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो इंची टेप होता है ना, इंची टेप जो सीधा है, इतना मैं ये बटन टेक काट रहा हूँ। ये देखिए, ये पट्टी हो गई 1 और ये जो है ना बटन टेक हुई, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, हमने इस निशान पे इसको कटिंग कर लेना है ऐसे। ये जी आपने इस तरीके से आपने रख लेना है ऐसे। मैं आपको बटन टेक चिपका के दिखा रहा हूँ, क्योंकि पट्टी और बटन टेक सेम ही चिपकते हैं। जैसे ये चिपकेगी वैसे ही बटन टेक चिपकानी होती है, वैसे पट्टी चिपकानी। आपने इस तरीके से इसको चिपका लेना है, इसको ऐसे आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इतिहास से आप देखें ऐसे, फिर आपने इसको डबल फिर फोल्ड एक कर लेना है ऐसे। यहाँ से जी आपने ये चिपका लिया, ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने इस तरीके से जो है ना आपने ऐसे फोल्डिंग कर लेना है ऐसे, ऐसे। फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा अंदर दबाव दे देना है ऐसे। फिर इसको इस्त्री लगा के आप मजबूती से बिठा लो। ये जी पट्टी आपको ऐसे रख के ये कंकर की सिलाई लगा लेनी है किनारे की, इस तरीके से आराम आराम से। ये ऐसे, अब आपको दूसरा बता रहा हूँ। यहाँ से जी आपने ये 11 इंच का निशान लगा लेना है, इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है ये इतना, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये इसको पट्टी लगाने का आपको बता रहा हूँ। ये जी ये देखें, इस साइड से आपने इसको पकड़ लेना है और ये पट्टी हमने यहाँ पर 1/2 इंच का दबाव ले लेना है ऐसे। आपने इस तरीके से आपने ये सिलाई लगा लेनी है कंकर की इस तरीके से, ये ऐसे आपने ये सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये जी इसको देखें, इस तरीके से आपने ये ऐसे रख लेना। इस तरीके से जी आपने क्या करना है, इसको ऐसे 1/2 इंच का दबाव लेके आपने ये कंकर की सिलाई लगा लेनी है ऐसे। इस तरीके से आपने ये किनारे की सिलाई से आपने ये लगा लेना है। ये जी आपने इस तरीके से ये कंकर की सिलाई लगा लेनी है और इसको पट्टी को, ये वाली पट्टी को आपने इस तरीके से रख लेंगे ना, जो आगे पीछे ना हो। फिर आपने यहाँ पर आके इस जगह पे आपने ये देख लेना, जो ये पट्टी पे ही सिलाई लगनी चाहिए। फिर आपने यहाँ से इसको काट लेना है ऐसे, ठोका बना लेना है इस तरीके से। और ये 1/2 इंच का ये फिर कपड़ा आप पट्टी को फोल्ड कर लेंगे सीधा सीधा सेंटर रख के। फिर आपने यहाँ से ये किनारे की सिलाई लगाते हुए इस जगह पे चले जाएंगे। ये जी देख सकते हैं, इस जगह पे आपने ये ऐसे ठोका बना लेना है, जैसे मर्दाना पट्टी लगती है वही तरीका आपको सिखा रहे हैं। इस जगह पे आपने ये फिर इसको आपने ऐसे घुमा लेना है। फिर इस जगह पे आपने आके ऐसे 1 इंच या 1.5 इंच का आपने यहाँ से ये ठोका बना लेना है। ये आपने इस तरीके से ये हो गई पट्टी मुकम्मल होती है। अब आपको शेरवानी लगा के दिख, आपने जी यहाँ से ये शोल्डर जोड़ लेने इस तरीके से, दोनों शोल्डर रख के जोड़ के फिर आपने शेरवानी का नाप लिया जाएगा, बैन कॉलर शेरवानी इस तरीके से आपने
ये देखें ऐसे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है और आपने शेरवानी का नाप लेना है, बैन शेरवानी नेक गला, इस जगह से आपने ये नाप ले लेना है। ये देखें ऐसे यार, ये 16 इंच की अब शेरवानी आपको काट के दिखा रहे हैं। यहाँ से जी ये देख सकते हैं, ये आपने 8 इंच 16 इंच पे, ठीक है। यहाँ से इस जगह से आपने ये निशान लगाना है 1 इंच का, ये ऐसे। फिर आपने इसको कटिंग कर लेना है, ये इस तरीके से ये शेरवानी आपकी कट चुकी होगी। अच्छा, आप यहाँ से गुलाई करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मगर मैं इसको ना आप हल्का सा गुलाई दे रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे। ये जी आपने ऐसे रख के इसको चिपका लेना है, ठीक है जी, ऐसे गरम मिस्त्री से ये चिपकेगी इस तरीके से। आपने इसको चिपका के इसको फोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आपने चिपका लेनी है इसको जी। आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ऐसे। यहाँ से जी आपने ये बूट की सिलाई लगानी है इस तरीके से, ऐसे। इस तरीके से जी आपने ये सिलाई लगा के इसको एंड कर लेना है और ऐसे आपने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ये ऐसे आपने ये सिलाई लगा लेनी है बुकरम के साथ, ये ऐसे। ये जी आपने इस तरीके से इस्त्री लगा लेना है आपने, ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे। शेरवानी आपका तैयार हो चुका है, अब जो है ना आपको लगा के दिखा रहे हैं, वीडियो भी एंड पे चल रही है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और ये तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ से जी इसको आपने बराबर करके इसका ये कुटका लगा लेना है, यहाँ पर सेंटर हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से फ्रंट पकड़ना है, ये ऐसे। इस जगह से मैं ये उल्टा रख रहा हूँ ये इसको, और इस जगह से मैं ये पट्टी शो करने वाला हूँ। इस जगह से आपने ये ऐसे सेंटर रख के आपने सिलाई लगाते हुए जाएंगे ऐसे। और जो कुटका लगाया था इसमें भी लगा हुआ है, ये देखें इस जगह पे आपने ये हल्का हल्का हाथ से आपने ये शेरवानी लगानी है ऐसे, इस तरीके से। ये जी सिलाई लगा ली है, अब यहाँ पर आपने ये कंकर की सिलाई लगानी है इस तरीके से, ये इस तरीके से आपने कंकर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आपने इस जगह पे आके ये गुलाई दे देनी है जो हमने शेरवानी काटा था। और इस दबाव को आपने हल्के हाथ से ऐसे, हल्के हल्के हाथ से आपने ये दबाव सेट कर लेना है, ये ऐसे आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए, ये ऐसे, ये ऐसे आपने इसको सेट कर लेना है ऐसे, ये सिलाई लगा लेंगे आप इस तरीके से। ये जी आज हमने आपको ये सिखाया, ये देख सकते हैं। अब आप ये हमारा एसके दर्जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ।